मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों हम इस समय मौजूद है वसई के ईस्ट में। यहाँ हम जिस जगह खड़े हैं आपको बैकग्राउंड देख के ऐसा महसूस हो रहा होगा कि एक तरह का क्लिनिक है, और वाकई में एक ये क्लिनिक है जहाँ देसी पद्धति से इलाज किया जाता है। इस क्लिनिक का नाम है नाथ ब्रह्म पदा व्यंग, और अलग 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 जो बीमारी है उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर देसिक, जिसमें एक्यूपंचर है और भी अलग अलग जो देसी पद्धति है, यूनानी पद्धति, उनसे किया जाता है। हम अभी यहाँ मुलाकात करेंगे इसके कर्ता धर्ता जो इसमें जिन्होंने महारत हासिल की हुई है, हेमंत मटवानकर से, और पूरा क्या ये पद्धति किस तरह से काम करती है, किस तरह से लोगों को ये करना चाहिए, इसको अपने जीवन में लाना चाहिए, उसके बारे में उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम हेमंत जी से भी बात करेंगे, उसके पहले आपको ये बता दूँ कि हमारा जो इतिहास है उस इतिहास में भी यही बताया गया है, यही समझाया गया है कि एलोपैथी तो काफ़ी कम समय का इतिहास है एलोपैथी का, और एलोपैथी एक्चुअली हमारे देश से नहीं है, बाहर से आई हुई है। लेकिन आयुर्वेद की बात की जाए और देसी पद्धति की बात की जाए तो आज भी पुराने लोग ज़्यादा एलोपैथी, आयुर्वेदिक और देसी पर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एलोपैथी दवाई नहीं बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी जगह पर है, हमको उसका इलाज करना चाहिए, लेकिन हमको अपने नेचुरल प्रतिदिन के दिनचर्या में जो नेचुरल पद्धति से इलाज है उसको भी अपनाना चाहिए। आइए मुलाकात करते हैं हेमंत माटोंकर से। हेमंत सर नमस्कार। नमस्कार, अपना पूर्ण परिचय एक बार दर्शकों दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हेमंत श्रीधर माटोंकर है। मैं पिछले 1.5 साल से नेचुरोपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टरेट इन एक्यूप्रेशर, डॉक्टरेट इन साउंड थेरेपी और डॉक्टरेट इन मैग्नेट थेरेपी किया हुआ है। तो मेरे यहाँ पर नाथ ब्रह्म नेचुरोपैथी में हम मिला जुला ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं, जिसके कारण मेरे पास आज 450 से भी ज़्यादा सेटिस्फाइड पेशेंट्स है, जिनको परमानेंटली आराम मिला है और दोबारा से आज तक तो शिकायत नहीं है पिछले 1.5 साल से। बेसिकली आपका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह का होता है, किन तरह की बीमारी का होता है? जी, बीमारियां बेसिकली दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द का मर्ज हेमंत है, पेन किलर ऑफ वसई ये हैशटैग मैं चला रहा हूँ। तो दर्द अगर किसी भी तरह का रहेगा सिवाय दिल के दर्द के, बाकी सारे दर्द का इलाज हेमंत के पास है। सर दर्द का नेचुरल पद्धति से क्या कॉन्टेक्ट है और किस तरह से उसका इफेक्ट होता है, किस तरह से आप उसको करते हैं? ओके सर, देखो कोई भी दर्द जो हमें है, चाहे वो घुटने का हो, चाहे कमर का हो, चाहे एड़ी का हो, या फिर एड़ियों का सुनापन हो, हाथों का सुनापन हो, ये सारे जो है अपने नसों से रिलेटेड है। तो ये हमें जन्म से प्रॉब्लम नहीं था, हम पहले जवानी तक काफ़ी तंदुरुस्त थे, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस प्रकार हमारा काम करने का तरीका चेंज हो गया, रहन सहन का तरीका चेंज हो गया, काम करने का तरीका कम हो गया, यानी अपना वर्क अपन ने कम किया, खुराक चेंज किया, खुराक उतना ही है, काम कम किया, इस वजह से हमारे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैक पेन या फिर शोल्डर पेन या फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है। तो हम इसके जड़ पे काम करते हैं जो है नस, नसों को खोलने का काम है नेचुरोपैथी में, एक्यूप्रेशर से करते हैं, कांस्य थाली से करते हैं, साथ ही में मैग्नेट थेरेपी से करते हैं और सुजोक से करते हैं। इसमें करना क्या होता है और पेशेंट को किस तरह से, जैसे कोई भी दवाई लेते या कोई भी इलाज कराते तो उसको पेशेंट को कुछ चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है, परहेज करना पड़ता है? हाँ, तो नेचुरोपैथी में अगर आपको किसी डॉक्टर ने या किसी थेरेपिस्ट ने आपको बताया है या फिर किसी प्रैक्टिशनर ने आपको बताया कि फलाने चीज़ नहीं खाए, तो डेफिनेटली वो मत खाइए। मगर हमारे इस उपचार पद्धति के दौरान हम कोई स्पेशल डाइट पेशेंट को नहीं देते, ही कैन कंटिन्यू वॉट एवर एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स हैव एक्सप्लेन्ड हिम या फिर उनको बताया, वही कंटिन्यू करना है। आपने अभी बताया कि 450 आपके पास पेशेंट है जी, सेटिस्फाइड, तो उनका एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप सर 15 साल के बच्चे से लेकर 92 इयर्स के अंकल तक मैंने इलाज किया हुआ है। मतलब आपने 92 साल के बुजुर्ग का भी इलाज किया? यस सर। आपने भी जो जिक्र किया कि आपने 3 पद्धति उसमें डॉक्टरेट किया जी, तो कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से किया उसका जानकारी? जी हाँ, एक्यूप्रेशर संस्थान जो है वो राजस्थान जयपुर में लोकेटेड है, वहाँ पे 1.5 साल का कोर्स है और ये 1.5 साल का कोर्स मैंने साइमल्टेनियसली किया और तीनों में मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है।
जो आपका कांस्य थाली ब्रॉन्ज की थाली, इसकी क्या स्पेशलिटी? हाँ हाँ सर, कासा जो है वो पुराने जमाने से हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते आए हैं, पर हमें ऐसा लगता है बुजुर्ग अपने तलवे को कासा घिस रहा है, उसको काम धंधा नहीं है या फालतू बैठा इसीलिए घिस रहा है, बट इट इज नॉट दैट। आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि कासा यानी ब्रॉन्ज आपके शरीर की गर्मी निकालने में मदद करता है, शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है, एसिडिटी लेवल कम करता है, बालों का झड़ना कम करता है, जॉइंट पेन्स कम करता है, बहुत 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 सारे फायदे हैं इसके सर। क्या आपका संदेश रहेगा लोगों के लिए कि हेल्थ के लिए वो लोगों को कितना परसेंट क्योर रहना चाहिए? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन सर, और ये आज के तारीख में बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आज के तारीख में किसी ने भी इंग्लिश उपचार पद्धति या डायरेक्टली ऑपरेशन या डायरेक्टली किसी मेडिसिन के लिए जाने से पहले नेचुरोपैथी ट्राई करना चाहिए। आज हमारे पास हम पहले कुछ तो रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं, जब शरीर का पूरा तहस नहस हो जाता है उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या नेचुरोपैथी के पास आते हैं, तब तक आपके शरीर में कुछ नहीं बचा, नेचुरोपैथी कुछ नहीं कर सकता। वेयर एज आप विदेशों में देखेंगे तो पहले वो नेचुरोपैथी के हर संभव इलाज करते हैं, नहीं हुआ तो लास्ट में वो इंग्लिश इलाज या फिर ऑपरेशन या किसी चीज़ पे आते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन कि गो फॉर नेचुरोपैथी, पहले नेचुरल तरीके से कुदरती तरीके से, इसमें होम्योपैथी आ गया, इसमें आयुर्वेद आ गया, इसमें उनानी आ गया, ये सारे नेचुरोपैथी के हिस्से है, फिर बाद में कपिंग हो गया, फिर हिजामा कपिंग है, बहुत सारे है, ये सारे नेचुरल तरीके हैं अपने आप को ठीक करने के। इससे नहीं हुआ तो लास्ट में आप कीजिए, नो प्रॉब्लम, आपको उसी में सुख है तो नो प्रॉब्लम, बट मैं आज भी कहूँगा जिम करने से अच्छा आप योगा कीजिए, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, हेल्दी रहेगी। हेमंत जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि आप इसके लिए चार्जेस लेते हैं या नहीं लेते हैं, अगर लेते हैं तो कितना चार्जेस है, एक सवाल। दूसरा ये कि कुछ पेशेंट्स की स्थिति ऐसी होती है जो यहाँ विजिट नहीं कर पाते, तो उनको ये फैसिलिटी आप होम विजिट करके देते हैं कि क्या? सर बहुत अच्छा सवाल है, हर एक के दिल का और जेब के नज़दीक का सवाल आपने पूछा। हम सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की गारंटी देते हैं कि डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा पहले विजिट में ही। हाँ, दूसरी बात, हमारे क्लिनिक पे हम लेते 300 रुपया, और अगर होम विजिट है जैसे आपने बताया किसी को चलने फिरने में दिक्कत होगी तो हम ऐसे पेशेंट्स के लिए घर पे विजिट भी देते हैं जिसका हमारा चार्जेस है 500 रुपया, और ये 300 और 500 रुपया चार्जेस जो है फिलहाल के लिए है, आगे चल के कितना होगा वो हमें नहीं पता। और साउंड थेरेपी के लिए भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, साउंड थेरेपी की मदद से थायरॉयड, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, वेरिकोज वेंस, अस्थमा, फिर डस्ट एलर्जी, फिर निमोनिया, ये सारी चीज़ें क्योर होती है सिर्फ साउंड थेरेपी से। अच्छा, इसके लिए कितने सेशंस इंसान को लेने कम से कम चाहिए? वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सवाल है सर। अगर आपका प्रॉब्लम समझो महीना डेढ़ महीने का, मतलब रीसेंट प्रॉब्लम रहेगा ना, तो एक सिटिंग मोर देन इनफ है। मगर आपका प्रॉब्लम क्रॉनिक है जैसे 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल पुराना है तो शायद आपको 5 से 15 सिटिंग लग सकते हैं। थैंक यू सर। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।